राम राम जी आप सभी को। आज हम आपको प्याज और पुदीने का रायता बनाना बताएंगे। बारीक बारीक दो प्याज काट लिए और थोड़ी सी कलियां ले ली ताज़ा पुदीने की, जो हमने अपना घर पे लगा रखा है। पुदीना बिल्कुल फ्रेश पुदीना है, ये ठंडे होते हैं गर्मी में, और दही में इसका ये बहुत ही बढ़िया रायता बनता है और बहुत पौष्टिक होते हैं। गर्म के सीज़न में ठंडी ठंडी चीज़ें खाना बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम पुदीने को बारीक बारीक काट लिया और चार पांच कलियां लहसुन की और दो तीन हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कूट ली हैं। और ये चार पांच जनों के लिए घर पे रायता हम बना सकते हैं। दो कटोरी हमने दही ली है, ये देखिए दो कटोरी दही ली है हमने, और अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखो जी, मैंने पहले इसमें लहसुन और हरी मिर्च कूट ली, फिर उसके बाद मैंने इसमें पुदीना कूटा, फिर इसमें बाद में मैंने डाले प्याज। ये चारों का एक मैंने इसमें बिल्कुल मिक्स कर लिया है, और प्याज को हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। अब बनाएंगे इसको दही में मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, अब जो हमने मिक्सर तैयार किया है उसको हम थोड़ा पकाएंगे। आप चाहें तो उसको कच्चा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम पका रहे हैं। एक चम्मच लिया घी, उसमें एक चम्मच डालेंगे हम जीरा, और उसको अच्छे से भूरा होने देंगे, तेल घी में पकने देंगे। और ये देखिए, इस तरह से जीरे को अच्छे से हाथ से मसल लें, ताकि जो इसमें वो करड़ा करड़ा इसका सख्त होती है वो दांतों में फंस जाता है। उसको इस तरह से मसलने के बाद फूंक मार के और घी थोड़ा गर्म होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। ये देखिए, हमारा जीरा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो मिक्सर तैयार किया था ये हम डाल देंगे और इसको बिल्कुल थोड़ा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकने देंगे। इसको एक दो मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे। हल्का पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ज़्यादा पकने के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही पौष्टिक रायता बन के तैयार होता है। इससे दोनों चीज़ ठंडे होने के कारण गर्मी में ये खूब यूज किया जाता है। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं। ये जो मिक्सर अब हमारा तैयार हुआ है, उसको हम दही में थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मिक्स कर देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इससे दही फटने का डर रहता है ज़्यादा गर्म में। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें दही में, अब इसमें हम थोड़ी सी लस्सी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा लेना चाहते हैं तो लस्सी नहीं मिलाएं, अगर आप थोड़ा मीडियम सा रखना चाहते हैं तो इसमें लस्सी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, और थोड़ा सा डालेंगे रायते वाला गरम मसाला। रायता मसाला थोड़ा सा ही ऐड करेंगे हम, ज़्यादा मसाला ठीक नहीं। ये देखिए, इस तरह से एक पौष्टिक डिश बनकर तैयार हो गई।
जिसको पसंद आए ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखना, बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट होता है। राम राम जी।